हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वर्षा चौहान फैमिली में। क्या बेटा, पियू खेलना है? पापा खेलना है। पापा भी आ रहे बेटा, अभी काम से गए हैं। ठीक है, काम? हाँ। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं इवनिंग के 5:30 और आजकल ना रात जल्दी हो जाती है। कहने का मतलब ये है दिन जल्दी छिप जाता है, तो इसी वजह से मुझे डिनर थोड़ा जल्दी बनाना पड़ता है। पीहू आ जाऊँ? आ जाओ, देखो किचन में भी पूछ के आती है, मम्मी आ जाओ किचन के अंदर। कितनी आज्ञाकारी बेटी है मेरी, किचन के अंदर आने के लिए भी मुझसे पूछ रही है, मम्मी किचन में आ जाऊँ। तो फ्रेंड्स, शाम हो गई है, सब जगह की मैं लाइट जला देती हूँ। लाइट मैंने जला दिया है, पूरे घर की मैंने लाइट जला दी है और साथ में मेरी बेटी अपने आप में खेल रही है, तो चलो इसको खेलने देते हैं। और अब मैं बनाने जाती हूँ डिनर। तो आज डिनर में मैं बनाऊँगी सिंगाड़े की कचरी। और पतिदेव जी मंडी से लेके आए हैं ये सिंगाड़े, ये देखिए। तो इसको मैंने अच्छे पानी से पहले तो वॉश कर लिया है। और साथ में लेके आए हैं पत्ता गोभी और साथ में है नींबू, ये देखिए। तो सबसे पहले मैं इसको बॉयल करूँगी। तो बॉयल करने के लिए मैं पहले तो कुकर को गैस के ऊपर रखूँगी। और गैस के ऊपर रखने के बाद लाइटर मेरी बेटी ने पता नहीं कहाँ रख दिया है, ये रहा, मेरी बेटी लेके चली गई थी खेलने के लिए। तो बस अब मैंने गैस जला दी है और साथ गैस जलाने के बाद मैं डालूंगी इसमें पानी। खूब ढेर सारा पानी डालने के बाद अभी थोड़ा सा और डालूंगी पानी। वैसे फिलहाल मुझे पानी कम लग रहा है, इसमें थोड़ा सा और डाल देती हूँ पानी। पानी डालने के बाद अब मैं डालूंगी ये सिंगाड़े, इसमें डालेंगे ये सिंगाड़े, सिंगाड़े डालेंगे इसमें। इसको ना सबसे पहले अच्छे पानी से वॉश करना होता है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से गंदे पानी में होते हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से साफ करना होता है। जैसे कि इसका देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो गया, ये पिंक हो गया। वैसे जब ये आया था तो बिल्कुल ब्लैक कलर का था, और जब मैंने इसको वॉश किया तो ये देखिए पूरा कलर चेंज है, ये बिल्कुल पिंक कलर में हो गया है। क्या हो बेटा को? कुछ भी ना हो आपको, मम्मी चाहिए। तो मैं इसमें डाल देती हूँ ढेर सारे सिंगाड़े। क्या चाहिए आपको? ये चाहिए, ले जाओ, जाओ जाओ खेलो। मम्मी नहीं खेलना, नहीं खेलना तो मत खेलो फिर। इसमें सिंगाड़े डालने के बाद मैं लगा देती हूँ इसका ढक्कन पूरा। देखो पूरा भर चुका है, हम ढक्कन लगा देते हैं। और मेरी बेटी मुझे कर रही है परेशान, तो इसको पकड़ लेते हैं हम। क्या हो बेटा को? आओ वो दिया, आ जाओ मेरा बेटा। क्या हो बेटा को? क्या हो बताओ? ओ मेरा बेटा, चलो क्या हो बाबू को? खेलना है, खेलना है। किसके साथ? बच्चों के साथ। अच्छा, सुनो पहले ये सुनाओ। मछली जल की सुना दो बोलो। मछली जल की सीटी बजी है? नहीं, सीटें भी नहीं बज रही, अभी बजेगी सीटी। पहले सुनाओ मछली जल की, नहीं सुनाओगे? अच्छा सबको हेलो बोल दो, बोलो हेलो। नहीं बोलना मत बोलो। तो जब तक सिंगाड़े मेरे उबल रहे हैं तब तक मैं अपनी बेटी के पास चलती हूँ। यहाँ पे पानी किसने गिराया पीहू? देखिए गाइस, पानी यहाँ पे इसने गिराया हुआ है और कह रही है अपने से गिराया पानी। अपने से तो नहीं गिरा, आपने गिराया पानी। पोछा लगा दूँ? मैं क्यों लगाऊँ? आपने पानी क्यों गिराया यहाँ पे? पोछा लगा दूँ? चलो ठीक है, पोछा लगा दूंगी। तो बस ये है पूरे घर में, मतलब मेरा काम कभी ख़त्म नहीं होता। बच्चों के घर में काम कभी ख़त्म नहीं होता, कभी एक काम तो कभी दूसरा काम मुझे करना ही रहता है। तो बस ये
इसमें सीट में भी प्रेशर नहीं आया है, तो प्रेशर आने देते हैं। और थोड़ा सा मेरा घर का मैंने हरा धनिया तोड़ के रखा है पहले ही। क्या कर रहे हो पीहू? क्या कर रहे हो? वैसे डैडी ने आपको पैसे दिए? हाँ। अच्छा देव जी आ गए हैं देखिए मेरी मदद करने के लिए। जब मैंने सारा बना लिया तब आए मदद करने के लिए। इसमें ना मेहनत बहुत चाहिए इसको, मतलब फोड़ने के लिए कहने मतलब मैश करने के लिए, तो इसमें बहुत हाथ चाहिए मेहनत के। तो हाथ दुख जाते हैं, हाथ में दर्द हो जाता है। तो मैंने अपने फतेहदेव जी को बुलाया, थोड़ा आप चला दो, मेरे हाथ में होने लग गया दर्द। और बस रेडी है खाने के लिए। और हमारे घर के हैं ये धनिया पत्ता, साथ में मैंने नींबू कट कर लिया है। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये खाने में। एक नींबू और काटना है मुझे, तो फिर मैंने एक ही काटा है नींबू। और साथ में मेरी गर्मा गर्म चाय, सिर्फ मैंने अपने लिए बनाई है चाय, क्योंकि पतिदेव जी चाय पी चुके हैं शाम के टाइम जब ऑफिस से आए थे। सिर्फ मैंने अपने लिए चाय बनाई है, बेटा मेरा चाय पीता नहीं है, क्योंकि खिचड़ी के साथ गरम गरम चाय बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। देखिए पतिदेव जी अपने लिए सर्व कर रहे हैं, मतलब सबके लिए सर्व कर देंगे, मेरे लिए भी। अच्छा ऐसा कुछ है? ऐसा ही है। आप कर नहीं सकते हमारे लिए? नहीं नहीं बिल्कुल करेंगे करेंगे, गम है गम। अच्छा वीडियो ना बना, अब तो बना ली मैंने वीडियो, अब डालूंगी ये जब ये हॉस्टल में रहते थे ना, तब भी अपने आप से खाना बनाते थे, तो ये वेल ट्रेन्ड है। मक्खन आ रही? नहीं सही कह रही हूँ, मक्खन की क्या बात है। ये हमने डाल लिया मक्खन, मक्खन हमने डाल लिया है। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ। देखिए मक्खन हमने डाल लिया है और साथ में डालेंगे इसमें धनिया पत्ता, हमारे घर का धनिया। देखिए बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये। मैं इसकी फुल रेसिपी एक बार और बनाऊंगी, आज थोड़ा ही कुछ इसमें मिसिंग है। अगली बार मैं अपने पतिदेव जी से बनवाऊंगी, क्योंकि इनके हाथ का ना ज़्यादा टेस्टी लगता है। अच्छा बस नींबू बना। थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल दिया है, मेरे में मत डालना। तो पतिदेव जी ने अपने में और बेटे में डाल दिया है नींबू का रस, और मैं अपने में नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा खटाई पसंद नहीं है। मेरा फोटो कह रहे मेरा फोटो मतलब तो ले लिया, अब तो डल गई वीडियो। अब मैं अपने बच्चों को देख के आती हूँ, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो बच्चों? एक बच्चा मेरा कर रहा है फ़ोन चला रहा है, एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है। देखो इसके अभी एग्ज़ाम है, 5 तारीख से एग्ज़ाम है ना, देखो 5 से एग्ज़ाम है इसके, तो स्टडी कर रहे हैं बच्चे मेरे। तो फ्रेंड्स
हमारा डिनर है। हिंदी बोलते सिंगाड़ा और हिंदी बोलते इसको सिंगाड़ा, इंग्लिश बोलते इंग्लिश में आई डोंट नो क्या बोलते हैं, बटर लेमन मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, बटर लेमन बटर ना बटर लेमन नहीं नहीं और कुछ और बोलते हैं तो ना बटर लेमन किसे बोलते हैं, वाटरमेलन तो उसको बोलते हैं, उसको तरबूज को पता नहीं किसको। तो फ्रेंड्स आप सभी आइए हमारे साथ, इसको इसको क्या बोलते हैं, कचरी, हाँ कचरी एंजॉय करिए, सिंगाड़े की कचरी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है ये, मतलब बस खा के पेट भर जाता है कहने का मतलब। तो फ्रेंड्स मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, साइड में छोटा सा बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट स्वीट ड्रीम, और मेरे बच्चे भी बोल देंगे बाय बाय, सब बोल दो बाय बाय, यू बाय बाय बोलो, बाय, मेरी बेटी तो मस्त है फ़ोन में, बाय बाय बोलो बाय।